रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब है तैयार क्यू का नया पहरेदार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक उनके पास जबरदस्त परमाणु ताकत है तब तक ना अमेरिका और ना ही नेटो रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। और यही वजह है कि यूक्रेन के सोलेदार को रूस रौंद रहा है और नेटो और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहा है। किस दिन की भयानक जंग के बाद ये क्यों दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के पास अब जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भयानक परमाणु जंग। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि अगर यूक्रेन को और ज्यादा घातक हथियार नहीं दिए गए तो रूस यूक्रेन के 12 शहरों को पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। अब नेटो ये कहने को क्यों मजबूर हुआ है कि आने वाली जंग इतनी खौफनाक और भयानक हो सकती है जो दुनिया की एक तिहाई आबादी का सफाया कर सकती है। क्या वाकई में हथियारों की भारी कमी की वजह से रूस अब सुसाइड मिशन पर निकल चुका है? डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये दावा क्यों कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो बुरी तरह से फंस गए हैं? क्या पुतिन आने वाले दिनों में यूक्रेन के अंदर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हिटलर के खौफनाक करतूतों को भी पीछे छोड़ देगा? लगभग 11 महीने की जंग के बाद अब यूक्रेन में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भले ही यूक्रेन के साथ नेटो के 30 देश अमेरिका और ब्रिटेन खड़े हों, लेकिन जंग के मैदान ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अभी तक यूक्रेन की फौज रूस की सेना को खदेड़ नहीं पाई है। यूक्रेन की बर्बादी की तस्वीरें और तबाही साफ दिखा रही है। रूस की मिसाइल, टैंक, तोपखाने और आत्मघाती ड्रोन्स के ताबड़तोड़ हमलों ने ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को जहन्नुम बना दिया है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव और डोनबास में इस वक्त यूक्रेन ने भारी तबाही मचाई हुई है। खुद ज़ेलेंस्की तक मान चुके हैं कि पुतिन के इरादे बेहद क्रूर हैं। Російського обстрілу Херсону сьогодні снаряд поцілив пункт допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка, парамедик, волонтерка. Ми співчуття рідним. Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон. Лише за один день. І так щодня. Сьогодні знову обстрілювались громади Харківської області. पुतिन की फौज यूक्रेन में सीरियल अटैक कर रही है। 6 और 7 जनवरी 2023 को रूस ने भले ही 2 दिन का सीज फायर बताया हो, लेकिन हकीकत में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर भयानक हमले किए हैं। लेकिन इस बीच अब ऐसी खबर आ रही है कि पुतिन यूक्रेन समेत नेटो के कई यूरोपीय देशों पर एटम बम से अटैक कर सकते हैं। पुतिन अपनी मिसाइलों या बम वर्षकों से एटम बम या तो यूक्रेन पर गिरा सकते हैं या फिर किसी यूरोपीय देश पर। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि रूस ने अपने घोषकों युद्धपोत पर परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन को तैनात कर दिया है जो खुद सेकंड में ही दुश्मन को भस्म कर सकती है।
сейчас. И вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное... अब सवाल उठता है कि जब पुतिन की फौज यूक्रेन में 12 से ज्यादा शहरों पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है तो फिर पुतिन का रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला क्यों करेगा। असल में यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा खुलासा किया है जो वाकई यूक्रेन के लिए खुशखबरी के साथ खतरनाक खबर भी है। यूक्रेन और अमेरिका के सीक्रेट एजेंट के दावों के मुताबिक अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती दिनों में रूस ने बड़ी तेजी से यूक्रेन पर हमला किया था। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, हथियारों की कमी के कारण रूसी हमले भी धीमे होते गए। इन हमलों का धीमा होना इस बात का सबूत है कि रूसी हथियारों के जखीरे में भारी कमी आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों की सैन्य मदद बढ़ती जा रही है। हाल ही में अमेरिका और जर्मनी ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी सेना को पहली बार बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के अलावा पैट्रियट रक्षा मिसाइल बैटरी भी भेजेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के पास हथियारों की कमी और यूक्रेन के पास आधुनिक हथियारों का बढ़ता जखीरा पुतिन को मजबूर कर देगा कि वो यूक्रेन पर रूस की मजबूत पकड़ बढ़ाने के लिए परमाणु हमला करें। हम आपको यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर बताते हैं कि रूस के पास क्यों और कैसे हथियारों की कमी हो गई है। पुतिन के 75% हथियार खत्म। लगभग 11 महीने की जंग में रूस के पास 75% हथियारों की कमी हो गई है। रूस अपने विशाल हथियारों के जखीरे के दम पर इस जंग में अब तक टिका हुआ है। रूस के पास क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी हो गई है। टैंक, तोप और रॉकेट्स की कमी भी रूस के पास हो गई है। गोला बारूद का स्टॉक तेजी से खत्म हुआ है। रूस पुराने हथियारों को मजबूरी में इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने से रूस की सेना कई मोर्चों पर 40 साल पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है।